अभी तो जितना पहले तो काफी दूरियां थी, मुस्कान और रौनक के बीच में आज देख रहे काफी हाल वगैरह चल रहे, क्या कहना चाहिए? डर और जब मतलब इंसान अपने ऐसे पीक वाले इमोशंस में होता है ना, दुख डर ये सब चीजें जब ऐसे बहुत ज्यादा लेवल से बाहर चली जाती है ना, तो अपने आप को काबू नहीं कर पाता इंसान और इमोशंस भी ऐसे ओवरफ्लोइंग होते हैं। और किसी अपने को देखकर ना मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई आई नीड योर सपोर्ट। तो मुस्कान भी बहुत डरी हुई थी और अचानक से ही रौनक सामने आ गया। रौनक जी को देखकर ऐसे, क्योंकि उसको लगा कि कोई है, कोई उस पर अटैक करेगा। बार बार अटैक हो चुका है, हर पल हर तरह से डेंजर ही है। तो रौनक को देख कैसे एकदम से पकड़ लिया उसने, तो ये वो वाला वक्त। ओके, फिर जब वो चले गए तो हमने काफी मुंह बनाया उन्हें देखकर, क्या चल रहा था मुस्कान के दिमाग में? रौनक तो ऐसे सुनाता रहता है ना, टीचर भी बन जाता है, डाकू भी बन जाता है, खड़ूस बॉस भी बन जाता है, ऑर्डर्स देता रहता है, इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। तो रौनक और मुस्कान के बीच में ये वाला कंफर्ट जोन और रिलेशन आ गया है अब, कि वो दोनों एक दूसरे को सुना देते हैं। मतलब थोड़े दिनों पहले मुस्कान ने भी रौनक की थोड़ी सी क्लास लगाई थी, वो भी टीचर रूप अपना ले ही लेती है। और रौनक यहाँ पे मिस्टर खड़ूस बन के बैठा है एज यूजुअल, तो उसे मुस्कान भी उसे थोड़े से टेढ़े मेढ़े चेहरे बना रही है उसको देखकर। ओके, कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़ी नजदीकियां बढ़ रही हैं नफरत होने के बावजूद हाँ, वो नफरत वाला प्यार होता है ना, वो वाला तो है ही डेफिनेटली। और मुस्कान के साइड तो अच्छा वाला प्यार भी थोड़ा थोड़ा है, मतलब शी डेफिनेटली फील्स फॉर हिम।